ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस जंगल में आपको किसी तरह का शोरगुल सुनाई नहीं देगा, या यूं कहें कि एक हवा बहती है, एक वाइब्रेशन चलती है, एक ऊर्जा का प्रवाह बहता है जिसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा कह सकते हैं। इस बरगद के नीचे, एक विशाल बरगद के नीचे, एक नाड़ी के किनारे इस नाड़ी को बनाया है जंगली जानवरों के लिए। इस बरगद के नीचे एक शिला की ओट में महादेव जी विराजमान हैं। निश्चित रूप से स्थापना की होगी किसी भक्त ने, किसी संत ने, किसी महात्मा ने, किसी जंगल में रहने वाले भक्त ने यहाँ श्री महादेव जी की स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की। हम भी श्री महादेव जी को नमन करें। महादेव प्रकृति में बसते हैं, जल जंगल जमीन के अंदर महादेव का स्थान है, और इसीलिए अनादि काल से हम सुनते आए हैं, हमने देखा है, पढ़ा है शास्त्रों में कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संन्यास जब किसी ने लिया तो जंगल की राह पकड़ी, और जंगल के शांत और एकांत वातावरण में जब विचारों का तूफान थम जाता है उस समय अंदर की उस शांति को अनुभव किया जिसकी खोज में ये जीव अनादि काल से भटक रहा है, तड़प रहा है, और उस शांति की खोज के बाद हम मान सकते हैं, हम इस बात के लिए कह सकते हैं कि मनुष्य होना सार्थक हो जाता है अगर हमको उस परमात्मा रूपी प्रसाद, परमात्मा का जो प्रसाद है, शांति रूपी प्रसाद हमको मिल जाता है। ये कुडाल भागली का क्षेत्र है, वैसे तो ये वन क्षेत्र है और कई कई किलोमीटर इसको अगर हम इधर एक बार कैमरा आपको घुमाएं, अभी चूंकि जेठ का महीना है, बरसात के दिनों में यहाँ का नज़ारा और खूबसूरत हो जाता है। ये एक हम बरगद को देख रहे हैं, एक उस विशाल बरगद को देख रहे हैं जिसको किसी भक्त के द्वारा इसको लगाया होगा, इसको सिंचित किया होगा, इसको इसकी, और आज ये अनेक जीवों का आसरा है, क्योंकि बरगद में, बरगद के पेड़ में हम देख सकते हैं जो इस मौसम में फल आते हैं उनसे उनका पेट भरता है, जंगली जानवरों का खास तौर से। कहते हैं ये नाड़ी जो हम देख रहे हैं ये किसी तेलपुर के भक्त के द्वारा बनाई है, बनाई थी, हालांकि इसमें अग्रणी भूमिका निभाई उन्होंने, जन सहयोग इसमें रहता है, लेकिन जहां जल जंगल जमीन के बीच में इस शिव स्वरूपी बरगद की छाया के नीचे महादेव का ये मंदिर, बिल्कुल जिसको हम कहें कि कोई यहाँ सब कुछ प्राकृतिक है, यहाँ कुछ भी जिसको हम आर्टिफिशियल बनावटी या कोई चकाचौंध वाला विषय, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं, कोई फाटक नहीं, कोई सब कुछ एकदम जिसको हम खुला कहें, और भक्त यहाँ जो भी आते हैं, जब भी आते हैं जंगल में, वही भक्त आते हैं जिनको जंगल से लेना देना होता है, बकरियों वाले हो सकते हैं, मवेशी हो सकते हैं, ऊँटों वाले हो सकते हैं, या आदिवासी बंधु हो सकते हैं जो यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ कुछ पल बैठकर यहाँ निश्चित रूप से एक आनंद की अनुभूति करते होंगे। इस जंगल में ऐसा हमको अभी बता रहे थे कि
अनेक प्रकार के जंगली जानवरों का यहाँ आना जाना रहता है, खास तौर से हिंसक जीवों का भी आना रहता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पहाड़ी बहुत बड़े क्षेत्र में, हम इसको अगर 20-30 किलोमीटर का दायरा भी कहें या उससे ज़्यादा कहें तो कोई आश्चर्य की बात हो नहीं सकती। बहुत लंबा ये सिरणवा की पहाड़ियाँ, ये बहुत दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ। हम एक पल के लिए अगर इस शांति को अनुभव करें, इस हवा की खुशबू को अनुभव करें, इस हवा में भले ही थोड़ी गर्माहट है लेकिन इस गर्माहट के बाद जूझ भी एक आनंद का, एक शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। मैं पुनः श्री महादेव जी के दर्शन करके मेरी बात को विराम देता हूँ। हमने वडला के नीचे वडलेश्वर महादेव जी का मंदिर देखा और यहाँ श्री हनुमान जी महाराज को भी हम नमन करें। ये मंदिर भी यही जंगल में है और ये हम पुनः इस बात को दोहरा देते हैं कि ये संपूर्ण क्षेत्र जंगल का क्षेत्र है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी एक अपनी आस्था होती है, महादेव में आस्था होती है, हनुमान जी महाराज में आस्था होती है। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। जय महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान।